तो फिलहाल मुई मोर इंग्लिश रे कहबार के चाहूँ गोटे कथा डे तो हिंदी भी है इंग्लिश भी है तो फिलहाल आई डोंट केयर यू माई लाइफ ओनली बेस्ट तो जो छोड़ के गई है तो उसको लाइफ उसका मुबारक तो वो जैसे भी हो ठीक है अपने रास्ते हो ठीक है भाई मेरे रास्ते में ठीक हूँ बाकी किसी की मतलब जैसा भी लड़का हो कभी भी उसका मतलब कैरेक्टर में मतलब उंगली नहीं आना चाहिए कि लड़का नहीं कमा रहा है कि वो नहीं कर रहा है कि वो नहीं कर रहा है क्योंकि भाई ऐसा बंदा ऐसा पलट के बार करता है ना कि सीधा दिमाग पर नहीं दिल पर डायरेक्ट अंदर घुस के चोट देता है तो टाइम सबका आता है तो फिलहाल अभी मेरा टाइम ख़राब चल रहा है तो फिलहाल जस्ट ऐसे मोमेंट तो जो जली गए भाई उसको जाने दो उसका लाइफ में वो ठीक है तो ज़्यादा माइंड में नहीं लेना भाई क्योंकि हम लोग देखो भाई मिडिल क्लास के आदमी है ठीक है तो दिमाग में नहीं ले सकते क्योंकि भाई हमको भी घर परिवार संभालना होता है तो सुबह उठ के काम पर जाना होता है सब कुछ करना होता है तो जस्ट मोमेंट होता है एक लड़की की वजह से मैं मानता भी हूँ कि जैसे मतलब एक लड़की एक लड़का को चेंज भी कर सकता है तो बर्बाद भी कर सकता है मैं मानता हूँ वो सब कुछ हुआ है मेरे लाइफ में तो मैं बिलिंग मतलब मैं फील कर सकता हूँ वो जीनिस वो चीज़ मैं फील कर सकता हूँ अंदर से तो वो अपना लाइफ में बेस्ट है यार मुझे उसका स्टोरी देखना नहीं है कि उसका मुझे कुछ देखना नहीं है कि वो क्या कर रही है लाइफ में वो क्या पी रही है क्या कर रही है क्या स्टोरी छड़ है मुझे वो चीज़ उसको बिलिंग नहीं करना है दोबारा मैं बस इतना चाहता हूँ कि वो अपना लाइफ में खुश रहे बस इतना ही तो जस्ट मैं इसलिए भाई बहुत भाई लोग भी कॉमेंट कर रहे हैं कि ऐसा है वो गलत की है वो गलत की देखो भाई वो अपना रास्ता में वो ठीक है मेरे रास्ते में मैं ठीक हूँ बट जो गलती उसने की है मैं मानता हूँ कि वो गलती की वजह से वो माफ़ी नहीं मिलती है तो जस्ट मोमेंट वो जिनिस उसको समझना चाहिए उस टाइम पर लेकिन जब मुझे उसका सच में ज़रूरत था तो उस टाइम वो फिलहाल मुझे हाथ उसका छोड़ दिया मेरा हाथ छोड़ दिया तो जस्ट मैं मोमेंट वही सीखने को मिलता है कि तुम हाथ उसका पकड़ो जो तुम्हें लिभा सके जो तुम्हें समझ सके जो तुम्हारा लिभा सके वो नहीं जी कि तुम्हारा मजबूरी टाइम चल रहा है तो नहीं भाई उसके पास ज़्यादा पैसे मैं उसके पास चला जाता हूँ जस्ट मिलिंग ऐसा नहीं होता हमारे बीच में तो ठीक है उसका लाइफ में ठीक है और मैं थोड़ा दोस्तों यारों के बारे में बोलना चाहता हूँ देखो भाई मेरा दोस्त इतना ज़्यादा नहीं है मतलब दो तीन तो अभी है तो वो भी इतना क्लोज है दिल के मतलब भाई आधे रात को भी मैं उसको कॉल करूंगा ना कि भाई मेरा प्रॉब्लम है तो मुझे इतना बिलिंग है कि उसके ऊपर मतलब वो छोड़ के आ सकता है मतलब उसका घर परिवार को वो छोड़ के आधी रात को भी मुझे प्रॉब्लम हुआ ना कि मैं भाई बोलूंगा कि मैं यहाँ पर फंसा हूँ तो आएगा मुझे इतना भी उस पर भरोसा है क्योंकि भाई मेरे साथ वो चीज़ हुआ है तो बिलिंग वो आया था तो मेरा भाई एक को ही है आपको मालूम है सब कुछ तो जस्ट मैं इतना मूवमेंट नहीं करता हूँ तो जो चला गया लाइफ में जाने दो जिसको रहना है खुश रहे वो सब कुछ नहीं है भाई मैं मेरा लाइफ में खुश हूँ तो बस सीखने को सबक ये मिलता है कि अपना काम में फोकस करो आप जस्ट जो आपको समझ रहा है दोस्त या दोस्त भी आपको समझ रहा है कि प्यार भी आपको समझ रहा है तो जस्ट उसको आप समझने की कोशिश करो मतलब उनको टाइम देने की कोशिश करो वो नहीं कि आप काम में बिजी हो आपका दोस्त आपको कॉल कर रहा है आप रिसीव नहीं कर रहे हो वो नहीं कर रहे हो कॉल एक बार उठा लेने से कोई दिक्कत नहीं हो जाता है फिलहाल तो बात वही है तो सब कुछ मुझे सीखने को मिला है भाई क्योंकि देखो भाई मैं बचपन से लेके आज 22 साल का हो गया हूँ तो बाहर भी 5 साल में रहा था पंजाब में ऐसे ही तो फिलहाल मुझे क्या बोलूँ भाई मतलब खुद के लोगों ने खुद दबाना चाहा लेकिन देखो भाई वो बात नहीं बोलते हैं कि मेहनत करते रहो कि कमी भी कभी आएगी हार नहीं मानता देखो भाई मेरे पास चप्पल नहीं था खरीदने कुछ नहीं था भाई मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ भाई ठीक है मैं घर के आश्रय में पढ़ रहा था मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं घर के आश्रय में चल रहा हूँ मैं अभी भी कमा के भी घर के आश्रय में चल रहा हूँ फिर भी जस्ट मोमेंट जो होता है मतलब घर का परेशानी में मतलब 18 साल से लेके 25 साल तक लड़के के अंदर जो फीलिंग होता है मतलब जो इंसान टूटता है ना उस टाइम तो उस इंसान से पूछना एक बार मतलब कैसा कुछ होता है कैसा नहीं
तो फिलहाल मैं तो ये वीडियो यूट्यूब में भी छोड़ूंगा, सब में भी छोड़ूंगा। तो जस्ट मुझे बोला कि जस्ट मैं रिटर्न आना चाहती हूँ आपके पास, तो मैं रहना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा बोला कि देखो भाई, मैं लड़ाई झगड़े में भी पड़ गया था बीच में, बहुत कुछ हो गया था, वीडियो नहीं छोड़ पा रहा था, सब कुछ अपना लाइफ ऐसे चेंज हो गया ना, तो फिर मैं उस चीज़ को मतलब एक साइड में रख के मैं अलग हो गया कि नहीं भाई, मुझे जीना है, मुझे खुद के लिए मुझे कुछ करना है। कि घर में जो मम्मी बोलती है कि तू कुछ नहीं करता है, बस मैं उनको वही बात समझाना चाहता हूँ कि भाई मेरे में हुनर है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मामे मैं 10 रुपये कमाऊँ कि 10,000 भी कमाऊँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं तुम्हारे आगे बहुत छोटा हूँ अभी भी। तो जस्ट मैं मिलिंग और सब कुछ मैं नहीं करता हूँ भाई, तो मैं दोस्ती यारी भी मैं समझता हूँ, प्यार भी समझता हूँ, क्या होता है क्या नहीं। जस्ट मैं जिसको जितना दिल से चाहता हूँ, उन लोग मुझे इतना चाहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, बट मैं भाई, मैं मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको इतना दिल से चाहता हूँ, मतलब वो मुझे बोलेगा ना कि भाई तू मेरे लिए ये कर, तो मैं कर सकता हूँ भाई। मेरे पास जितना, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि वो बोलेगा कि अभी जीवन दे दे कि वो, मैं बोल रहा हूँ मेरे तरफ से कि मेरे से जितना हो पाएगा तो मैं उस टाइम मूवमेंट करूँगा। तो जस्ट मेरे से भाई, मैं जितना होता है मैं करता हूँ, मैं वो नहीं बोलता हूँ कि हवा में कार खरीद लूँगा, वो खरीद लूँगा, मेरा ये औकात है ये, मैं जस्ट मोमेंट जो मेरा रियल स्टोरी है, तो वही सब कुछ भाई सीखने को मुझे मिला है। तो मोटिवेशन में भाई बिलीव नहीं करोगे, मैं अभी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। तो घर में भी थोड़ा ऐसे लड़ाई हो गया, तो जस्ट मैं कल रात को ऐसे घर में गया था भाई, मैं घर में रात को गाड़ी चलाता था, मतलब रात को बहुत लेट हो जाता था, बहुत कुछ ऐसे हो जाता था, तो मैं कल ऐसे जल्दी चला गया। तो मिलिंग भाई, मैं घर में सोया था, सोया बोले ऐसे हेडफोन लगा के गाना गुनी ऐसे दिल सुन रहा था, मतलब उस टाइम मैं सुना कुछ ऐसे ही, मतलब लड़का नहीं कमा रहा है, हमारा खा रहा है वो कुछ वो, बट मिलिंग जो चीज़ मतलब दिल में लग गया ना, तो भाई लग जाता है वो, मतलब घर वाला की ताने हो या जो कुछ भी हो, मैं जस्ट ऐसे कुछ मोमेंट नहीं बोलना चाहता हूँ जैसे घर वाले को भी बुरा लगे कि दोस्तों वाले को भी बुरा लगे कि किसी को भी बुरा लगे मेरा बात का। तो जस्ट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यार मुझे प्लीज़ समझो, थोड़ा टाइम दो, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ वो एक दिन का बात नहीं होता है कि नहीं यार वो मैं कर लूँगा, वो नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं मिलिंग कर रहा हूँ, मैं थोड़ा प्रॉब्लम में फंस गया था सब कुछ भाई, मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर भी भाई आज वीडियो थ्रू मैं मेरा भाई के सपोर्ट के वजह से मैं आज इतना भी आगे हूँ कि मुझे 4 लोग पहचानते हैं कि भाई तू उसके थ्रू मैं आगे बढ़ा हूँ, यूट्यूब में भी, इंस्टा में भी, समय मैं भाई मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, देखो मैं आज उसके वजह से 10,000 कमाऊंगी, 20,000 भी कमा लूँ, वो कम है उसके आगे, क्योंकि वो मेरा भाई है यार, पूरा दिल का मतलब दिल से मैं उसको भाई मानता हूँ। फिलहाल मैं बोलता सब कुछ और नहीं यार, जो दिल में लग जाती है बात लग जाती है, फिर भी मैं उसका बात का कभी बुरा नहीं माना, बट जो भी बुरा मानता हूँ मैं उसको डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भाई तू मेरे को ऐसा बोला, तो फीलिंग आई, मतलब मुझे बुरा लगा वो दिल से, जस्ट मैं वही बोल देता हूँ डायरेक्ट मुंह पर उस टाइम ही, मैं उसका मतलब पीठ पीछे नहीं जाके बोलता कि ये तो भाई मेरे साथ हो क्या, वो तो भाई मेरे साथ हो क्या, मैं नहीं बोलता भाई तेरे बारे में, विश्वास कर, मैं खुद चाहता हूँ मेरे तरफ से भाई कि तू आगे बढ़, हम लोग तेरे सपोर्ट दे, देख तू जैसे काम कर रहा है, तू भी तो अपना लाइफ में ठीक है, मैं मानता हूँ परिवार का परेशानी सब कुछ परेशानी, मैं मानता हूँ कि लड़की छुट्टी पैसे के वजह से सब कुछ छुट्टी, जस्ट मोमेंट तू एक मुझे बात समझाया था कि भाई तू लड़की को टाइम नहीं दे रहा था, तो जस्ट तू जो भाई बात बोला था मैं समझा, लेकिन तू भाई उस टाइम मुझे नहीं समझ पाया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जस्ट मिलिंग यू, मतलब मैं एक हाउस बनाया तो फिर भी मेरा जो जीजू है वो मतलब 90% हेल्प किया मेरा, तो मैं 10% हेल्प किया उनसे, ठीक है, वो पहले हकदार हैं, पहले जगह मेरा होगी, जो भी हो छोड़ो वो बात मैं नहीं लेना चाहता हूँ, मतलब कोई भी ऐसा कुछ गलत बोल दूंगा तो उनका बाद में दिल में लग जाए, तो मैं नहीं चाहता हूँ यार, जस्ट मतलब मैं इज्जत करता हूँ घर वालों की और बाहर वालों की, मतलब बाहर वालों भी करता हूँ, मतलब ऐसे दोस्त यार, तो मैं इतना भी मैं बोल रहा हूँ खाली थोड़ा टाइम दो, बट टाइम को बदलने में भी टाइम लगता है, सब कुछ लगता है वो कुछ, तो
अभी भाई मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी था, बहुत कुछ ऐसा था, मतलब वीडियो फीडियो नहीं छोड़ पा रहा था यूट्यूब में, तो मेरा आईडी भी दब गया, सब कुछ दब गया, मतलब अभी जो इतना ब्लूज जा रहा था आगे, मतलब फिलहाल वो नहीं जा रहा है अभी, तो मतलब 1,000, 2,000, 3,000 इतना ही जा रहा है। तो भाई देखो, जिस्ट मोमेंट आपको सब कुछ सहना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम लोग लड़का है तो गलत कदम नहीं उठा सकते कभी भी। जस्ट मैं उठा लिया था गलत कदम उस टाइम, तो फिर मैं नहीं बता सकता वीडियो में कि मैं क्या उठाया था क्या नहीं, जो मेरे करीब है उनको मालूम है कि मैं क्या गलत कदम उठाया था क्या नहीं। तो जस्ट उस बात जब मेरे को जब छोड़ के गई थी ना लड़की, तो जस्ट मोमेंट मैं विश्वास नहीं करते हो, मतलब 8 दिन से खाना नहीं खाया था, मतलब मेरा शरीर ऐसे पतला हो गया था। दोस्त यार समझा रहे थे, तो उन लोग का भी फैमिली था, बोले उन लोग भी मुझे कितना समझा लेते। देखो जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो किसी का भी बात नहीं सुनता, वो घर वाला की हो कि जो भी बेस्ट फ्रेंड जो भी है, साथ में बैठने से भी वो अपना माइंड पूरा एक कूल करके एक जगह में बैठे रहोगे, आप ही फील किए रहोगे। जैसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो बहुत बात दिल में लगी यार, मतलब मैं बहुत गलत कदम उठाने की कोशिश कर रहा था, बहुत ज़्यादा बोझ। फिर मैं विश्वास किया, नहीं भाई आप पैसा का बात है, इज्जत का बात है, सब कुछ भाई मैं करूँगा, लेकिन मुझे इतना बिलिंग है भाई मेरे ऊपर, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि 2024 में नहीं हो पाएगा मेरे से। 25 पढ़ाए, 26 पढ़ाए, 27 पढ़ाए, 28 पढ़ाए, 4 सालों में, 5 सालों में मैं कर दूँगा, मुझे वो बिलिंग है कि मैं कर सकता हूँ भाई, वो मैं मेहनत कर रहा हूँ अभी भी। मैं सुबह भाई मैं बिना नाश्ते किए मैं घर से निकलता हूँ, जस्ट पैसा की कीमत मुझे भी पता है, लेकिन जब मैं दोस्तों यारों के साथ में होता तो मैं पैसा नहीं देखता हूँ भाई कि नहीं भाई। हाँ भाई एक टाइम था कि हम लोग 10 रुपये में भाई 4 लोग घूमे थे बाइक में, उस टाइम बिलिंग हम बेस्ट फ्रेंड 4 थे, अभी भी हैं, लेकिन मतलब कुछ ऐसे परेशानी की वजह से, घर के परेशानी में, कोई जॉब के परेशानी में, तो सब अलग अलग हैं, मतलब ऐसे बात करते हैं, मतलब जैसे आगे क्लोज थे तो अभी जस्ट ऐसे नहीं कुछ हो रहा है हमारे लाइफ में, तो सब अलग अलग हो जाए सब ऐसे। हाँ भाई तू कैसा है, ठीक हूँ भाई, बस इतना मैं कॉल डिस्कनेक्ट, मतलब कॉल कट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो मिलिंग भाई प्यार दूसरा जगह होता है, दोस्त यार बेस्ट फ्रेंड दूसरा जगह होता है, फैमिली दूसरा जगह होता है। तो एक लड़का सब कुछ नहीं संभल पाता है, मतलब सबको भी समझना चाहिए, तो एक लड़का 3 आदमी को टाइम नहीं दे सकता है, मैं वही बात समझाना चाह रहा हूँ, मतलब यदि तुम लोग तीनों मिल जाओगे तो वही लड़का को तुम समझाओगे तो लड़का बिलिंग समझ जाएगा बात को, मतलब मैं क्या बोल रहा चाह रहा हूँ क्या नहीं। आप मुझे वीडियो में पता नहीं कि आप समझ पाओगे कि नहीं फिलहाल, तो जस्ट मोमेंट जो हुआ था ना भाई उस टाइम मेरा, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा पतला हो गया था ना भाई, मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था भाई, पूरा डिप्रेशन में इतना चलाया था ना, मतलब मुझे कुछ सोच रहा नहीं था गलत कदम के सिवाय। तो फिलहाल मैं गलत कदम ऐसा नहीं उठाया, तो मैं 2-3 देखा ऐसे वीडियो भी देखा, जस्ट हमारा ही ओडिशा से, हमारा ही संबलपुर से 2-3 लड़के ऐसे ही, मतलब लड़की के चक्कर में कर दिए थे, मैं देखा स्टोरी भी उनका देखा, तो जस्ट सच्चा प्यार होता है वो भाई कर सकते हैं। मेरा भी ताकत था भाई उस टाइम, मैं भी कर सकता था, लेकिन भाई जो मैं भी भाई अकेला हूँ घर का, ठीक है मैं चला जाऊँगा, मेरे हिसाब से 2 दिन रहेंगे 3 दिन रहेंगे, ठीक है, लेकिन मोमेंट आपको समझ में नहीं आएगा भाई, मेरा बात का आपको भी कोई समझ में नहीं आएगा फिलहाल, यदि आप वीडियो लास्ट तक देखोगे तो फिलहाल कुछ कुछ पता चलेगा तो चलेगा फिलहाल मेरे बारे में। तो ये मेरा स्टोरी था, तो मैं भाई वही बताना चाह रहा हूँ जो मतलब आप कमेंट कर रहे हो, वो तो उसके साथ घूम रही हो, कॉफ़ी पी रही है, वो आपको छोड़ के चली गई, आपके साथ 3.5 साल शादी करी, वो कुछ किया, जस्ट मीनिंग भाई मैं उसके लिए इतना रॉयल था कि मैं सब कुछ किया यार उसके लिए, मेरे हिसाब से मैं जो बन रहा था ना, मतलब जो एक लड़के को करना चाहिए जस्ट मैं वो किया, लेकिन परेशानी की वजह से, मतलब थोड़ा पैसा प्रॉब्लम की वजह से घर द्वार भी बने ना, मतलब थोड़ा बिलिंग ईयर्स प्रॉब्लम होने लगा थोड़ा थोड़ा, मतलब टाइम जो है ना मैं नहीं दे पा रहा था, दोस्त यारों को भी टाइम दे नहीं पा रहा था, कि मतलब घर वालों को टाइम दे नहीं पा रहा था, कि मेरे प्यार को भी मैं टाइम दे नहीं पा रहा, मैं खुद बोल रहा हूँ कि भाई मैं देख
उसको गलत साबित मैं नहीं करना चाहता हूँ कि वीडियो में कि वो गलत था कि मैं गलत था। उसका डिसीजन, उसका मूड, उसको वो जो अच्छा लगा, उसको वो लड़के में अच्छा लगा, उसको वो लड़का प्यार करता था तो उसको लगा कि वो लड़का समझ पाएगा उसको, तो ठीक है ना भाई। मैं उन्हें बोलता था कि भाई ठीक है तू भी मुझे समझ, वो भी समझ, लेकिन हर एक लड़का को मैं देखा हूँ, मतलब वीडियो में भी देखा हूँ, मतलब लड़का लोग ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं जैसे मतलब दिल में लग जाता है। मैं भी 200-300 ऐसे वीडियो छोड़ा हूँ यूट्यूब में भी, तो इन्हें विश्वास नहीं करोगे भाई, जो मुझे बात बुरा दिल में लग जाता है तो लग जाता है। तो मैं इतना कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा कुछ हो, तो ये मेरा स्टोरी था, सब कुछ था। तो मैं इतना कुछ पार करके आया हूँ भाई इस लेवल पर, तो अभी मैं कंटेंट, मतलब मैं चाहूँगा कि अभी मैं 3-4 तो वीडियो बना पाऊँगा, ब्लॉग बना पाऊँगा, डेली छोड़ पाऊँगा, लेकिन मैं डेली नहीं छोड़ पाऊँगा क्योंकि भाई मेरे पास टाइम नहीं होता है। और लोगों एक कंटेंट को पसंद नहीं करते हैं कि हर करेक्टर को भी पसंद नहीं करते हैं लोग। मैं देखा हूँ खुद, मतलब लोग बोलते हैं कि भैया आपके साथ हूँ, आप वीडियो बनाओ कोई बात नहीं। तो फिलहाल जिस जो बोलते हैं ना भाई, कुछ कुछ लोग होते हैं साथ देते हैं, कुछ कुछ होते हैं नहीं होते हैं, ये छोड़िए के बना स्किप कर देते हैं। मैं देखा हूँ भाई, खुद ब्लिंक किया हूँ मैं वो चीज़ कि ये क्या कंटेंट बना रहा है, ये तो ऐसा बना रहा है वो वीडियो। भाई लोगों का बाद में दिमाग में नहीं लेने का, आपको जो अच्छा लग रहा है, आपका मोबाइल है, आपका नेट है, आपको जो अच्छा लग रहा है आप करो। वीडियो बना रहे हो आप, कैसे फोनी वीडियो बना रहे हो, आपका इज्जत डाउन हो रहा है, जो जाना जाने दो यार। आप बिलिंग मत करो कि यार मुझे वो करना है कि वो करना है, आप दुनिया का बात मत सोचो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, ठीक है ना। देखो भाई, मेरा जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसके पास एक टाइम पर 10 रुपया नहीं था भाई, मैं बोल रहा हूँ आज उसके पास क्या कुछ नहीं है, लेकिन वो इंसान इतना मेहनत किया ना भैया, इतना मेहनत किया वो अपन, वो मतलब वीडियो के चक्कर में अपना काम करियर सब कुछ छोड़ा, वो मतलब नीचे भी गिरा ऊपर भी उठा, लोगों का बात भी सुना, बुराई सुना, सब कुछ सुना। वो मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड, वो मुझे बोलता है सब बात जिसमें फील कर सकता हूँ उसके बात को। इन लोग फिलहाल मुझे बोलता है कि भाई मुझे आज वो बोला, वो बोला, मैं बोला जस्ट छोड़ मोमेंट हो भाई, उस वो मेरे से भी वो ज़्यादा इंस्पिरेंस लेके बैठा है फिर भी वो, लेकिन मुझे बात बोलता है कि भाई आज मेरे साथ ऐसा हो गया भाई। मैं बोला छोड़ ना यार, जो हो गया बात दिल पर मत ले वो बात, बस मैं उसको वही बात समझाना, तू आगे बढ़, मैं नहीं चाहता हूँ भाई कि बुराई, ठीक है भाई। दो तीन आदमी भी मुझे बोले थे कि तुम वीडियो बनाओ, तुम दबा दो उसको, चाहो तो वो कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन नहीं भाई, वो तुमसे भी ज़्यादा पहले मेरा बचपन से वो साथ है भाई, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता भाई, मतलब उसके पीठ में मैं छुरा नहीं भूक सकता हूँ, मतलब वो जिस मतलब वो मेरा दिल में बैठा है यार, वो मेरा दिल में बैठा है मेरा भाई, छोटा भाई। तो मैं उसको ऐसे, वो गिर भी जाएगा ना, मतलब मैं उसके साथ खड़ा होऊंगा भाई, जाए उसको कोई सपोर्ट करे या ना करे, मुझे नहीं मालूम इतना कुछ जो कुछ हुआ मिलिंग बस्ट, मुझे नहीं मालूम कि क्या होता है क्या नहीं जस्ट, लेकिन मैं अच्छे से समझ पाता हूँ कि दोस्त यार क्या होता है, क्या होता है सब कुछ। तो वो बात भी मुझे बहुत कुछ समझाया भाई, मैं दुनियादारी देखा हूँ बचपन से, सब कुछ देखा हूँ, दुनियादारी घुमा। मैं भी उसको बोला भाई तू मेरे से ज़्यादा इंस्पिरेंस है, तू तो वीडियो बनाता है, तू मेरे से ज़्यादा फेमस है, मतलब तुझे 10 आदमी जानते रहेंगे, तू 10 आदमी से बैठता भी होगा, तो एक से बुराई सुनेगा, 2 से सुनेगा, 3 से सुनेगा, 7 से 28 सुनेगा, सच वही मोमेंट होता है भाई। बट मैं वही बोलना चाहता हूँ, जो आपका लाइफ में मतलब जो आपको करना है ना तो आप करो, दुनिया का बात में मत आओ, जो आपको समझ रहा है आप उसके साथ रहो, जो आपको नहीं समझ रहा है जस्ट आपको जो अच्छा लगे वो करो। वो बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जस्ट वो अच्छा है तो सो अच्छा है, मेहनत करते रहो भाई, काम है भाई, कभी ना कभी आएगी यार, नहीं आएगी क्या है यार, 10,000 तो कमा रहे हो ना, एक टाइम में था तो हम लोग 10 रुपये नहीं कमा रहे, अभी तो 10,000 भी कमा रहे हैं भाई महीना में, 10,000 कम नहीं होता है, उस टाइम हम लोग का 50 रुपये भी मिल जाते भाई, आज बहुत ज़्यादा पैसा मिले हम लोग खुश हो जाते थे, लेकिन अब जस्ट 10,000 मतलब 10,000 भी कमा के भी खुश नहीं हो रहे हैं। लेकिन वो बात नहीं है भाई, पीछे का बात आप याद करोगे कि मैं पहले क्या था, आप क्या हूँ, तो जस्ट वही बात आपको
याद करके चलना चलना चाहिए। मैं सबको ही बोल रहा हूँ, मतलब जो भी वीडियो बनाते हैं भाई, किसी का बाद में मत आओ कि जो बोल रहा है छोड़ो, जो हो गया भाई, आपका लाइव है आपको करो। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट में जनाना, यदि बुरा भी लगा होगा तो भाई जस्ट मीनिंग, तो दिल से सॉरी। तो दोस्तों लोग को भी मैं बोलना चाहता हूँ भाई, सॉरी माफ़ कर देना भाई, मैं मेरा मूड में क्या भी चल रहा है मुझे खुद नहीं मालूम, तो जो मुझे दिल में आया तो मैं बोल दिया मेरे दिल का बात। तो बुरा मत सोचना यारो, आपके साथ ही हो, टेंशन मत लेना, ठीक है? तो वीडियो इतना ही था, बोलो।